ज्योतिष विद्या का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं तुला राशि के जातकों का मासिक राशिफल सितंबर सन 2021 को लेकर के। क्या विशेष रहेगा तुला राशि के जातकों का इस सितंबर के माह में, कैसी आपके लिए ग्रह गोचर व्यवस्था बन रही है, भाग्य कितना आपके साथ रहेगा इस सितंबर के माह में, कहां कहां आपको लाभ हो सकता है और कहां आपको कौन कौन से क्षेत्रों में सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसी के साथ प्रारंभ करते हैं और बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस सितंबर के माह में। ग्रह गोचर व्यवस्था के अनुसार कार्य क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र में कर्म क्षेत्र के लिए कैसी स्थिति बनी हुई है, क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं अपनी नौकरी के क्षेत्र में अथवा बिजनेस के क्षेत्र में, कैसी ग्रह गोचर व्यवस्था बनी हुई है वहां, आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, कैसी वित्तीय व्यवस्था रहेगी, कहां आपको लाभ मिल सकता है और कैसे आपको सतर्क रहना चाहिए लाभ की दृष्टि से। साथ ही बात करेंगे उन तारीखों की जिन तारीखों में आप अत्यधिक लाभ प्राप्त करेंगे और ऐसी तिथियों की सितंबर के माह में जिन तारीखों में आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं यह राशि फल प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपको यह बता दूं कि चंद्र कुंडली पर आधारित है, अर्थात इसको आप लग्न कुंडली से न देखें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी चंद्रमा 7 अंक पर स्थित है, लग्न चाहे कोई सा भी हो लेकिन चंद्रमा यदि 7 अंक में स्थित है तो निश्चित ही आपकी तुला राशि बनेगी और यह राशि फल आपके लिए है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम एक दृष्टि डालते हैं तुला राशि के जातकों की ग्रह गोचर व्यवस्था पर। तो तुला राशि का स्वामी जो कि शुक्रदेव है, वह अपनी नीच राशिस्थ व्यय भाव में स्थित है। बुध देव यहाँ पर स्थित है और बुध नीच भंग कर रहे हैं। यहाँ पर कन्या राशि में बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। सूर्य और मंगल लाभ स्थान में सिंह राशि में विराजमान है, जबकि देवगुरु बृहस्पति वक्र स्थिति में कुंभ राशि में पंचम स्थान में आपके लिए स्थित है। शनिदेव जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, वह मकर राशि में स्थित है शुक्र भाव में। राहु वृषभ राशि के अंतर्गत अष्टम स्थान में है और केतु वृश्चिक राशि में आपके लिए द्वितीय भाव में स्थित रहने वाले हैं। चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। सर्वप्रथम आपको बता दें कि 5 सितंबर को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर आपके राशि स्वामी है कन्या राशि को छोड़कर के तुला राशि में प्रवेश करेंगे जो कि आपकी ही राशि है। लग्न स्थान पर स्थित हो जाएंगे स्वराशि के शुक्रदेव। वहीं 6 सितंबर को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, वे भाव में आपके लिए चले जाएंगे। 14 तारीख को वक्र स्थिति में देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में संचार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान पर आपके लिए आएंगे। वहीं 16 तारीख को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे जो कि ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। 22 सितंबर को बुध देव पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और बुध देव राशि परिवर्तन कर यह अपनी उच्च राशि को छोड़कर के वे भाव को छोड़कर के लग्न में ही स्थित हो जाएंगे। लग्न गति आपके लिए महालक्ष्मी नामक योग बनेगा और शुक्र और बुध की युति भी बनेगी। तो यह तो संपूर्ण ग्रह गोचर व्यवस्था तुला राशि के जातकों की इस सितंबर माह की। अब इस ग्रह गोचर व्यवस्था के भी सर्वप्रथम एक दृष्टि डालते हैं तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर। तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तुला राशि के जातकों को सतर्क सावधान अवश्य रहना चाहिए। आपके लिए राहु मुख्यतः वृषभ राशि में अष्टम स्थान पर स्थित है। वक्र स्थिति में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान पर स्थित रहेंगे, जबकि मंगल 6 तारीख के पश्चात कन्या राशि में वे भाव में स्थित होंगे। वहीं 16 तारीख को सूर्य देव भी वे भाव में स्थित होंगे। निश्चित ही बहुत सतर्क सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। आपको त्वचा से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं, पाचन क्रिया में समस्या देखने को मिल सकती है और साथ ही आधा सीसी का दर्द, आधा सिर में दर्द, नेत्रों से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए तुला राशि के जातकों को इस सितंबर माह में नित्य सूर्य अर्घ तो देना ही चाहिए, साथ ही बजरंग बाण का पाठ भी अवश्य करें और हर शनिवार और सोमवार को भगवान शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। बात करते हैं तुला राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र के बारे में। तो कार्य क्षेत्र के स्वामी चंद्रमा आपके लिए बनेंगे। कार्य क्षेत्र पर पूर्णतः शनिदेव की दृष्टि है और 14 तारीख के पश्चात नीच राशि में आकर के देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि को देखेंगे यानी कर्मस्थान को देखने वाले हैं। तो निश्चित ही
कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन आपका आना निश्चित है। इस सितंबर के माह में निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा, अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। प्रथम सप्ताह तो अत्यधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, लेकिन शेष सप्ताह अच्छी स्थिति में रहेंगे। शुक्रदेव जब अपने ही राशि में लग्न में स्थित हो जाएंगे तो निश्चित ही अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। व्यवसाय वर्ग को विशेष रूप से अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो जातक शनि से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं उनको निश्चित ही लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन मासांत में कहीं ना कहीं व्यर्थ की भागदौड़ भी आपको देखने को मिल सकती है। अत्यधिक क्रोध में आवेश में कार्य करने से आपको बचना चाहिए। मानसिक रूप से प्रबलता आपको अति आवश्यक है, अर्थात मन से किसी भी कार्य करने के लिए मन से मजबूत होना आपका अति आवश्यक है इस सितंबर के माह में। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और विशेषतः क्रोध करने से अपने कार्य क्षेत्र में आपको सितंबर के माह में बच करके रहना चाहिए। मंगल वे भाव में है तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी आपको हो सकती है, यात्राओं को लेकर के परेशानी हो सकती है और अपने कार्य क्षेत्र में विचलित होने से आपको बचना चाहिए। मंगल वे भाव में स्थित हैं तो निश्चित ही ऐसी समस्याएं देखने को मिलेंगे, इसलिए संयमता के साथ कार्य करें। विचलित होने से आपको कार्य क्षेत्र में बच करके रहना चाहिए। बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लाभ की, तो लाभ के स्वामी आपके लिए बनेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव वहीं पर स्थित हैं, 16 तारीख तक 16 सितंबर तक अपनी ही राशि में स्वराशिस्थ होकर के स्थित रहेंगे लाभ स्थान पर, तो निश्चित ही अच्छा लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। पिता के माध्यम से आपके जो बड़े भाई हैं उनके माध्यम से आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है इस सितंबर के माह में। कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छी स्थिति बन रही है, देर से ही भले लेकिन अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। पूर्णतः लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि तीन तीन ग्रह आपके वे भाव में हैं, इसलिए अत्यधिक खर्च करने से बचें और अनावश्यक खर्च करने से बचें। जहां आपको बहुत आवश्यकता ना हो ऐसे खर्च करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की, तो मित्रों चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है, यह 2 से 2.25 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं जन्म पत्रिका में तब उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों में चले जाते हैं, क्रूर ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, 6, 8, 12 भावों में स्थित हो जाते हैं, तो निश्चित ही ऐसे चंद्रमा जातक को अत्यंत नकारात्मक स्थितियां पैदा कर देते हैं और फलस्वरूप एक माह के भीतर 6 से 8 दिवस हम सबके जीवन में आपके हों या हमारे 6 से 8 दिवस हमें ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति अज्ञात हुए किसी न किसी प्रकार की चिंता शारीरिक थकावट और अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं देखने को मिलती हैं। तो कौन सी वह तिथियां होंगी तुला राशि के जातकों के लिए, उससे पूर्व हम बात करेंगे शुभ तिथियों के बारे में। तो तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर माह की 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 18, 19, 28 और 29 सितंबर आपके लिए विशेष शुभ है। तो वहीं 7, 8, 12, 13, 16, 21, 22, 26, 27 सितंबर आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आपका जीवन मंगलमय हो यही मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार।